उसके बिठाने के लिए। ये वाणी तुलसी साहब दी है, संत महात्मा मालक दे प्यारे चाहे किसी भी समाज अंदर आए हन या किसी भी टाइम अंदर आए हन, सब महात्मा का एको ही संदेश है, एको ही उपदेश है। हर महात्मा इसे गल ते जोर दिंदा गया कि जिस परमात्मा की थानू तलाश है वह परमात्मा थोड़े शरीर के अंदर है, थोड़ी देह और वजूद के अंदर है। हर महात्मा ने यही जोर दिता, अगर कोई सच्चे तो सच्चा मंदिर है या कोई सच्चे तो सच्ची मसीत है या कोई ठाकर द्वारा है, वो थोड़ा शरीर है, थोड़ी देह है, थोड़ा वजूद है। महात्मा ने बाहर मंदिर मस्जिदां गुरुद्वारे बना के सानू समझाया सीगा कि इन्हां अंदर जिस तरह असीं जाना जरूरी समझते हैं या इन्हां दी पवित्रता रखनी जरूरी समझते हैं, वो सिर्फ साडे अंदर शौक बिरे तड़फ पैदा करने वास्ते महात्मा ने बनाए सन। लेकिन असी वजाए उन्हां दे अंदर जाके तड़फ पैदा करने दे रस्मो रिवाज बना लिया, जाए आए मंदिर दे अंदर, उठे आए फिर जाए आए फिर वापस आ गए। लेकिन जो कुछ असी मंदिर दे अंदर जाके सुनते हाँ या करते हाँ उहदे उत्ते कदे भी असी अमल नहीं कीता गा, सारी जिंदगी उत्थे मत्थे कसाउण दे उत्ते जोर दिता लेकिन अपने अंदर कदे भी वड़न की कोशिश ना कीती, अपने मंदिर की सफाई ते कदे भी जोर ना दिता। मैं गुरु अमरदेव जी महाराज का परसों सत्संग लिया सीगा जिहदे विच उन्होंने दस्या सी कि हर मंदिर इहो शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट होए। आपने कहा सीगा कि भरावो सच्चा मंदिर यह शरीर है, जब भी परमात्मा के दर्शन करोगे ये शरीर के अंदर वड़ के ही करोगे। लेकिन इत्थे आके असी सारे भुल जाने हाँ जेड़े आप हत्थां पैरां ना असी मालक दे रहण दीआं जगह बनाउने हाँ, उन्हां दीआं तां असी बड़ियां कदरां करदे हाँ, जुत्ती तक लेके नहीं वड़दे, कोई मीट शराब उत्थे पीण दा तां सवाल ही पैदा नहीं हुंदा गा। असी अपनी बनाई चीज की कदर करते हाँ, जो मंदिर परमात्मा ने बनाया है जिदे अंदर परमात्मा खुद रहिंदा है उहदी सफाई कन्नी कदे भी ध्यान नहीं कीता गा। उहदे अंदर मीट शराब होर भैड़ियां खोटियां वस्तुआं असी पा रहे हैं, दिन रात ही उसनू गलीज कर रहे हैं, मैला कर रहे हैं, कदे भी उहदी सफाई कन्नी असी ध्यान नहीं दिता। गुरु नानक साहब कहिंदे है जन्म जन्म की इस मन को मैल लगी, काला होया सुहाओ धोती खनली उजली ना होए चाहे सौ धोवन पाओ। आप कहन लगे कि साडा मन नू जन्मा जन्मात्रा की मैल लगी है, ये किस तरह का होया पिया है। जिस तरह कोहलू दे अंदर जिथे असी तेल निकालते हैं उत्थे जो लीर हमेशा रहिंदी है उस दे अंदर तेल इतना जज्ब हो जाता है कि उस नूं भावें हजारों दफा तुसीं धो लो, धोबी कोले भेज दिओ, जिथे मर्जी उस नूं धो लो, उह दे अंदर इतना जज्ब हो गया है, कपड़ा फट बेशक जावे लेकिन उहदे अंदरों सफेदी नहीं निकलदी गी। तो गुरु नानक साहब कहण लगे है कि साडे जन्म नूं भी जन्मा जन्मात्रा की मैल लगी हुई है लेकिन इहदी असीं कदे सफाई कन्नी तवज्जो ही नहीं दित्ती, देखिया ही नहीं गा। असी किस तरह मन नूं धोना है बड़ी सोच विचार की गल है, क्योंकि इस मंदिर के अंदर पंज डाकू भी रहिंदे है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ये हमेशा ही सानू लवेड़ रहे हैं।
काम दी मैल लग जाती है, क्रोध दी लग जाती है, इसे तरह लोभ मोह हंकार दी मैल लग जाती है। कदे भी असी तवज्जो नहीं दिती कि इन्हां मैलां नूं किस तरह असी दूर करिए। गुरु नानक साहब कहिंदे है, पाप करे पंचा के वसरे, तीर्थ नाए कहे सब उतरे, बहर कमावा होए नसंक, जम पर बाद खड़े कलंक। असी पाप ऐब या तां काम दी इच्छा दे अधीन होके कमाउने हां, आत्मा नूं चिकड़ लाउने हां, या क्रोध दे अधीन होके, क्रोध इच्छा दे अधीन होके असी ऐ पाप करदे हां। सानू पता ही है कि क्रोध भी एक तत्काल दा पागलपन हुंदा है, जद ये अपना रंग दिखाउंदा है, भरा भरा दा सिर गाजर मूली दी तरह ला के रख दिंदा है, इसे तरह कौम कौम नूं तबाह करन ते तुल जांदी है। ये जितने भी कौमां मजमां मुल्कां दीआं लड़ाइयां हन, ये कौन कराउंदा है? ये साडा मन कराउंदा है। और मन दी ये शक्ति जिहड़ी क्रोध है, जद ये प्रबल हो जाती है, उस वेले असी किसे नूं अपने पराए दी सोझी नहीं रखते गे। इस वास्ते आप कहन लगे इहदे वस होके असी पाप ऐ बहुत भारे सिरां दे उत्ते बोझे चुक लैने हैं। इसे तरह असी लोभ इच्छा दे अधीन होके भी किस तरह पाप ऐब करदे हाँ, असूल कायम कर दिंदे हाँ। असी सारा दिन लोगों नूं उपदेश करदे हाँ कि बई लोभ तो बचो, लेकिन आप खुद उस लोभ के शिकार हो जाने हाँ। लोभ के कारण ही कोई किसी नूं सियाणदा नहीं गा। इस वास्ते असी ठगी बेईमानी करन लगे, अगा पिछा तक नहीं देखते गे, ये क्यों करते हाँ? सोचण दी गल है, ये सारा कुछ असी लोभ के अधीन होके करते हैं। इस तरह मोह है, मोह के वस विच आके भी असी किस तरह इस जाल च फस जाने हैं, बुरी तरह निकल लगे भी असी निकल ही नहीं सकते गे। स्वामी जी महाराज कहिंदे, मरे बिना तुम छूटो ना ही, जींदे जी तुम सुनो ना कान। आप कहन लगे जिंदे जी तां तुसीं कन दे नाल गल नूं सुणन किस वास्ते महात्मा दी तैयार, और मर के ही इन्हां तों छुट सकदे हो। हुण जो इन्हां इच्छा दे अधीन हो के असीं कर्म कमाउने हां, वह किसी ने नहीं भोगने गे, वह असीं खुद भोगने हैं। जद वह कर्मां दा सानू इवजाना मिलता है, अच्छे कर्मां दा जद फल मिलता है, उदों तां असीं खुश हुंदे हैं। जद जिंदगी दे विच जिहड़े भैड़े खोटे कर्म हुंदे है उन्हां दी सजा मिलती है, फिर असीं रोने हैं, चीकदे हैं, चिलाउने हैं। कदे भी असीं नहीं सोचिया गा कि साडे कर्म है, मन नूं कदे भी असीं नहीं किया गा। महात्मा दे कहण दा भाव इतना ही है कि असीं मन नूं उसे वेले प्योर और पवित्र कर सकते हैं जद मन नूं मन दे घर पहुँचा दईए। मन दा घर किहड़ा है? ब्रह्म है, त्रिकुटी दे रहण वाला है। ये भी आपदे घर दे विचों भुलिया होया है, ये भी जो कुछ असीं अखां दे नाल देखदे हैं, ये दुनिया का बहुत वड्डा एक विषय बकारा का काल ने जंगल रचिया होया है, जिस दे अंदर मन और आत्मा गुआचे फिरदे है, आपे अपने आप नूं ये भुले फिरदे है। जद मन ब्रह्म दे विच जांदा है, उत्थे इस नूं पता लगदा है कि मैं तां ब्रह्म दा बहुत वड्डा कमांडर इन चीफ है, मैं तां एवें दुनिया के स्वादां मगर तुरिया फिरिया सीगा। सो इस वास्ते आप प्यार दे नाल समझाउंदे आ, काम क्रोध लोभ मोह हंकार दी जो असूल गंढ है, ये साडे सब दे अखां दे पिछे है, सूक्ष्म त्रिकुटी दे विच है। जद असी अपनी आत्मा तो असूल सूक्ष्म कारण तिन्ने पड़दे ला के ब्रह्म दे विच पहुंच जाने हैं, उत्थे जाके ये सूक्ष्म हुंदी है, थोड़ा बहुता उत्थे भी डर रहिंदा है, क्योंकि पता नहीं उसने कद आके थले प्रबल हो जाना हुंदा है। लेकिन जदों असी इधरों उपर चल जाने हैं, दसवें द्वार दे विच पहुंच जाने हैं, पार ब्रह्म दे विच पहुंच जाने हैं, उत्थे इन्हां चीजां दा नामो निशान नहीं हुंदा गा, उत्थे पहुंच के ही सानू साधु गति प्राप्त हुंदी है। सो इस वास्ते आप प्यार दे नाल समझाउंदे आ, उत्थे पहुंचया होया मन प्योर और पवित्र हो जाता है। उत्थे पहुंच के फिर साडा जिहड़ा मंदर है, यह शरीर ये साफ और प्योर पवित्र हो जाता है। आप तुलसी साहब प्यार नाल समझाउंदे आ, अगर थोड़े दिल अंदर परमात्मा दे मिलन दा शौक है, बिरे है, तड़फ है, तो सब तो पहला अपने मंदर नूं साफ करो। इत्थे आके असी सारे भुल जाने हैं। मैं कई दिन हो गए सत्संग च बयान कीता सीगा कि असी जितने भी समाजां दे लोक हैं, जितने भी असी समाजां रखते हैं, असी सब अपने आप विच दावा करते हैं जी असी गुरु मत दे उत्ते चलते हाँ।
लेकिन सानू पता नहीं कि गुरु मत किड्डी उच्ची और सुची है। असि गुरु मत साडे सिखां दा इतिहास पढ़ के देख लो असि की करदे हां। गुरु नानक साहब ने तो यही कहा सी, कौन सिख है भाई जो भड़के उठ के उद्यम करता है अमृतसर, क्या पार ब्रह्म दे विच पहुंच के अमृतसर दे विच इशनान करता है। आप कहते गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो भलके उठार नाम ते आवा है, उद्यम करे भलके प्रभाती इशनान करे अमृतसर नावा है, चढ़े दिवस गुर बाणी गावै बहद्या उठद्या हर नाम ते आवा है, जो सास ग्रास ते आए मेरा हर हर सो गुर सिख गुरु मन पावै, जन नानक धूड़ मंगै तिस गुर सिख की, जो आप जपै अवरा नाम जपावै। आप कहन लगे असि ओ सिख दी धूड़ी नू लोचदे हां जिहड़ा आप नाम जपदा है होरनां नू भी जपाउंदा है। इस वास्ते असि की करदे हां, पंज ककार कंगा कड़ा केस कृपान कच्छ, इस नू पहनण दे विच असि गुरमत समझदे हां। इसे तरह सानू मुसलमाना दे गुरमत की है, वो कहिंदे है कि मसीते जाओ रोजे रखो दान पुन अपनी कमाई दे विचो कढ़ो जुगाद दिओ मक्के दा हज करके आओ, बस ये गुरमत समझदे है। इसे तरह ईसाई लोग चर्च दे विच जाना बिना भेदभाव एक दूसरे नाल मिलना बपतिस्मा लेना यही गुरमत है। इसे तरह हिंदू असि समाज की करते हैं, किसनू गुरमत समझते हाँ, मंदिर दे विच जाना तीर्थ यात्रा करनी गायत्री मंत्र पढ़ना गीता पढ़नी वर्त रखने, इसे तरह असि होर भी कई किस्म दे खटकर्म करने, जग करना जग कराउणा दान देना दान लेना विद्या पढ़नी या पढ़ाउणी, असि इसे नू गुरमत समझते हैं। लेकिन संत महात्मा जो सानू गुरमत दस के गए है वह केड़ी है, जदों असी अपने फैले हुए ख्याल सिमरन दे जरिए इत्थे तीसरे तिल अखां दे पिछे लियाउने हैं, फिर सानू पता लगता है कि की गुरमत है, क्योंकि यह साडे घर का बूहा है, साडे सफर का बूहा है। जब असी इत्थे पहुंचांगे तो असी उस अपने सफर दे बिल्कुल बूहे ते आके खड़े होवांगे। जदों सुरत और निरत दो ताकतां है जिहड़ियां, सुरत दा काम है जो परमात्मा दी दरगाह तो आवाज उठ रही है, जिसनू गुरु नानक साहब रब्बी बाणी तुरकी बाणी शब्द हुक्म नाम करके बयान करते हैं, जिसनू मुसलमान फकीर कलमा बांगे आसमानी की आसमान चो आवाज आ रही है, हिंदू महात्मा भी उसनू आकाश बाणी राम नाम राम धुन करके बयान करते हैं, उसे नू ही कृष्ण ने वर्ड या लोगास करके बयान किया है। सो इस वास्ते महात्मा सानू प्यार दे नाल समझाउंदे है कि फिर जब इत्थे असी रोज रोज बैठ के अभ्यास करते हाँ, फिर की है कि निरद की शक्ति जब तेज हो जाती है बलवान हो जाती है, फिर साडा जिहड़ा बूहा है सफर का अंतरी बूहा जो अंदरों बंद किया है वह परमात्मा खोल दिंदा है, साडी गुरमत इत्थों चालू हो जाती है। इसे नू गुरु गोबिंद सिंह ने कहा सीगा कि पूर्ण जोत जगह घटमा है तब खालस नहीं न खालस जाना, जदों साडी आत्मा घंटे शब्द की आवाज संख की सुनती है उदों इस दी नज़र दे विच जोत आउणी शुरू हो जाती है, जोत चमकारे मारती है, यह सारा ही जिहड़ा पहला मंडल है जोत दे नाल भरपूर हुंदा है। सो इस वास्ते आप प्यार दे नाल समझाउंदे है कि इत्थों साडी गुरमत शुरू हुंदी है। फिर सानू पता लगता है कि असी अपने मंदिर की सफाई कर रहे हैं। तुलसी साहब कहते हैं अगर तुसी परमात्मा नू मिलना है तुहाडे अंदर शौक है परमात्मा दे मिलन दा, सब तो पहला इस मंदिर नू तुसी साफ करो, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, उस परमात्मा दे आउण वास्ते तैयारी तो कर। जरा सोच विचार की गल है, किसी मामूली जे रिश्तेदार ने आना होवे असी अच्छे कपड़े पहरांगे घर की सफाई करांगे, दिल च यह ख्याल आता है मता साडे कपड़े ना निंद जावे या साडे घर की सफाई नू निंद ना जावे। एक रिश्तेदार तो असीं डरदे घर की सफाई करन लगे पए हैं, लेकिन उस परमात्मा जो सचखंड दे रहण वाला है जिसने सानू जीवन दान दिता होया है, आप कहण लगे उहदे वास्ते कदे तैयारी कीती है कदे सोच समझ तो कम लिया है। कुत्ता भी गंदी जगह नहीं बहिंदा, वह भी पूछना जगह नू साफ कर लैंदा है। हुण असी कहने जी सानू इतना चिर हो गया मंदिर विच जांदिआं नू गुरुद्वारे विच जांदिआं नू सतसंग दे अंदर जांदिआं नू सानू परमात्मा नहीं मिलिआ,
लेकिन तुसी जरा सोच के तो देखो, क्या असी कदे सत्संग दे उत्ते अमल कीता है? मोटे मोटे पाप ऐब जो रुकावटां हन महात्मा बयान करदे सत्संग दे अंदर, कदे असे छड्डन वास्ते तैयार होए हैं? एक सत्संग दे विच अगर असी एक भैड़ा खोटा कर्म छड्डीए तो थोड़े जे सत्संगां दे विच असी कामयाब हो सकते हैं। परम पिता कृपाल महाराज ने सानू डायरी दिती रखण वास्ते, वो एक किस्म का रोजनामचा है, जिंदगी नू बेहतर बनाउण दा असली ढंग है। वह बहुत अच्छी उन्होंने दया की सानू तरतीब दसी, क्योंकि महात्मा सानू साधन दस देंदे है, तरीके दस देंदे है। महाराज सावण सिंह कहिंदे हुंदे सीगे कि संतां कोल बड़े साधन और तरीके हुंदे है, क्योंकि उन्होंने कमाए हुए वो तरीके हुंदे है, वरते हुए हुंदे है, वो सही उन्होंने जीवन के चीजा उतरिया हुंदियां है। सो इस वास्ते उन्होंने डायरी दसी कि भी तुसी डायरी शाम नू भरिया करो। लेकिन असी की कीता, डायरी का रस्मो रवाज बना लिया, जो शाम नू भरिया अगले दिन उही है फेर कर लेना है। सोच के देख लो, मैं राजस्थान की मिसाल दिना हुंदा है कि राजस्थान की मशहूर मिसाल है, पंचायत आई सिर मत्थे परनाला उसे थां ही है। असी सारी जिंदगी डायरी तो भरते हैं लेकिन ऐब नाल दी नाल छड्डण नू तैयार नहीं। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जद रोपड़ दे पास एक पिंड दे अंदर गए, उत्थे उन्हां लोकां नूं कहा, क्यों बई तुसी की पेशा करदे हो, की कम करदे हुंदे हो? वो कहिंदे जी बस एक भलियाई नहीं, बाकी चोरी वगैरह सारा कुछ ही असी करदे हां। गुरु गोबिंद सिंह कहण लगे, देखो बई ये तो बहुत भैड़े खोटे कर्म है, तुहानूं छड्ड देने चाहीदे है। वो कहण लगे जी असी छड्ड नहीं सकते, कोशिश बड़ी कीती। वो कहण लगे तुसी इउं करो, गिणती करो। वो कहिंदे जी असी अनपढ़ हां, किस तरह गिणती रखीए असी? वो कहिंदे तुसी इउं करिया करो, जब कोई पाप हो जांदा एक पत्थर चुक के रख दिता, दूजा चुक के उत्थे रख दिता। जब सारे आदमियों ने एक दिन इस तरह की ट्रेनिंग की, आदत पई सी, पाप ऐब छुटता नहीं सीगा। लेकिन जब शाम नू लेखा जोखा किया उत्थे तां ढेर लगे पे पत्थरां दे। वो कहण लगे इतना आपां भुगतान किवें करांगे, आपां छड्ड ही दिओ। गुरु गोबिंद सिंह जी ने जब फिर कितने अपना सत्संग उत्थे लाया, उन्हां लोकां नू पुछया, क्यों बई कोई लेखा जोखा किया? वो कहिंदे हाँ जी एक दिन किया सीगा, वो तो साडी गिणती तो भी पत्थर ज्यादा इकट्ठे हो गए सन। असी सारे पिंड ने बैठ के ये सलाह की है, ना पाप करो ना पत्थर इकट्ठे करो, कौन इन्हों का हिसाब किताब करेगा? इस तरह महाराज कृपाल ने साडा जीवन सुधारन वास्ते एक रोजनामचा सानू दसिया। इहदा इह मतलब नहीं सी उन्हां दा वी तुसी रोज पाप करो, शाम नू लिख भी लो, अगले दिन फिर कर लो। इस वास्ते महात्मा प्यार दे नाल समझाउंदे आ, जिथे असी प्रेम प्यार नाल शाम नू उस नू डेयरी दे अंदर दर्ज करते हैं निरपक्ष होके, उत्थे सानू छड्डण दी भी कोशिश करनी चाहीदी है। जीवन साडा तां ही सुधरेगा। इस वास्ते महात्मा सानू प्यार दे नाल समझाउंदे आ कि सानू उस हुजरे नू उस मंदिर नू साफ करना है, क्योंकि असी उत्थे परमात्मा नू बिठाउणा है। ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए, क्या जेड़े गैर है साडे अंदर, गैर कौन है? उस परमात्मा तो बगैर जो भी असी दुनिया नू देख रहे हैं ये सब गैर है। तुसी कहोगे साडे पुत है, साडी तियां है, साडा समाज है, साडा मुल्क है, ये साडा है। लेकिन तुसी सोच के देख ले, इहनू साडा साडा बनाउंदी सारी दुनिया ही लंघ जांदी है। ये अज तक ना तो चीजा किसी दियां बनियां ना बनी सकदियां हन। इस वास्ते गुरु साहब कहिंदे आ, गुरु तेग बहादुर जी महाराज, जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने हित सो सब लागे क्या दारा क्या मीत, मेरो मेरो सबो कहत है हित सो बांधे उचित, अंतकाल संगी ना को ए अचरज है रीत, मन मूर्ख अजे ना समझा सिखदा हारो नीत, नानक पौजल पार परे जे गाए प्रभ दे गीत। आप कहन लगे कि ये संसार दे विच सब दे सी झूठी प्रीत देखी है, क्या अपने हित दे खातर हर एक दूसरे दे नेड़े लगदा है? सानू पता ही है अगर साडा कोई बगाना भी धनी बन जावे, चंगी हुकूमत आ जावे, असी फट किसे ना किसे पासे दे उहदे नाल रिश्तेदारी गंढ लवांगे। अगर जे साडा अपना रिश्तेदार कोई गरीब हो जावे, असी उहनूं मिलण वास्ते भी नहीं जांदेगे। अगर सानू कोई ये कह देवे कि तुहाडा रिश्तेदार भी सड़कां ते रुलदा फिरदा है, असी फट मुकरन की कोशिश करांगे, नहीं बई उह साडा नहीं गा। इस वास्ते असी दुनिया की करते हैं, चढ़ते सूरज नू सलामा करते हैं। इस वास्ते महात्मा सानू प्यार दे नाल समझाउंदे हैं कि ध्यान गैरों का उठा। असी इस जगह जिथे दुनिया के ख्याल भर भर के असी दिमाग नू बहुत भर लिया है,
समाजां दे इन्हां गल्लां सुन के पुत्रां धीआं दे नाल प्यार करके सारी दुनिया नूं इत्थे भरी बैठे हैं। तुलसी साहब कहिंदे आ इस जगह नूं तुसीं साफ करो क्योंकि ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए, उस परमात्मा दे बिठाउण वास्ते इन्हां सब नूं बहार के बाहर कढ दिओ, उह अपने आप ही आ जाएगा। महाराज कृपाल कहिंदे हुंदे सीगे कि इंसान दा बनना मुश्किल है, भगवान तां इंसान दी तलाश विच है। सो इस वास्ते आप कहिंदे आ जे उहनूं इक वारी बुलावेगा ਉਹ ਫੌਰਨ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ 350 ਮੀਲ ਸਿਰਫ ਖਾਲੀ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਆਇਆ ਹੈ, ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਬੜੇ ਸੀਗੇ। सो इस वास्ते जिथे खाली जगह होएगी तो परमात्मा जरूर आएगा। इस वास्ते तुलसी साहब कहिंदे है कि दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, वो मंदिर नु साफ कर परमात्मा दे आउण वास्ते, वो तैयारी बढ़नी बैठा है। असी की करते हैं उस जगह दे विच विषय बकारा ना उस नु खराब करी बैठे हैं। आप कहिंदे ध्यान गैरों का उठा उसके बैठाने के लिए। जी दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसके बैठाने के लिए, चश्म दिल से देहिया जो जो तुमाशे हो रहे, दिल से ता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। मैं दस्या सी कि जद अंदरली अख खुल जांदी है ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੰਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਰਚੇ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਦੇਖਣੇ ਕਾਬਲ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ਬੀਹ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੂੰਗੇ ਤੋਂ ਅਗਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦਾ ਕੀ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਗੁੜ ਦਾ ਕੀ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਕੱਛਾ ਹੀ ਵਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੇ ਭੀਖਣ ਦੋ ਨੈਣ ਸੰਤੋਖੇ ਯੈ ਦੇਖਾ ਤੈ ਸੋਈ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਭਟਕਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹੀ ਮਾਲਕ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਦੇਖ ਦਿਲ ਦੀ ਅੱਖ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਰੰਗ ਰੰਗੀਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਅਸਤੂਲ ਸੂਖਸ਼ਮ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਵਸਤੀਆਂ ਵਸਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਰੂਹਾਂ ਆਬਾਦ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਦੇਖ ਤਾਂ ਸੀ ਦਿਲ ਦੀ ਅੱਖ ਖੋਲ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਅੱਖ ਖੋਲ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੰਧੇ ਸੇ ਨਾ ਆਖੀਏ ਜਿਨ ਮੁਖ ਲੋਇਣ ਨਾਏ, ਅੰਧੇ ਸੇ ਹੀ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਖਸਮੋ ਕੁੱਥੇ ਜਾਏ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਅੰਨੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਅੰਨੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਅੰਧੇ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਨਕ ਸੇ ਅੱਖੀ ਵਿਆਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸਿੰਦੋ ਮਾਪਰੀ, ਉਹ ਅੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੈ ਘਟਮੇ ਸੂਝਿਤ ਨਾਹੀ ਲਾਣਤ ਐਸੀ ਜਿੰਦ, ਤੁਲਸੀ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਭਿਆ ਮੋਤੀਆ ਬਿੰਦ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੇ। ਜਦ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰਾਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਜਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਭਜਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਘੰਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਘੰਟਾ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋੜੇ ਲਾਉਣ ਲਾਉਣ ਤੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਆ ਗਈ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ,
महाराज सावन सिंह कहिंदे हुंदे सीगे कि जद अभ्यास ते बहिंदे आ मन अपना दफ्तर फरोल के बह जांदा है, 100 साल की बीती हुई गल उस वेले याद कराउंदा है। वह कहिंदे हुंदे सीगे कि एक जट दी कुहाड़ी गुआच गई, जद अभ्यास ते बैठा फौरन मन ने अंदरों दस्सिया कि फलाने दे घरे है। मैं दसदा हुंदा मैं कुछ आदमियों नूं अभ्यास दे उत्ते बिठाया, एक आदमी ने अपना तजर्बा दस्सिया, उहदा पिंड राजस्थान चो कोई 30-40 मील उत्थों पंजाब दे विच सीगा। उसने दस्सिया कि मैं बैठा तां भजन ते सीगा, लेकिन अफसोस की गल है कि वह मैनू उस पिंड लै गया। उस पिंड दे अंदर मैं गड्ढे दे उपर बैठा जांदा सी ट्राली दे, तो ट्राली जिहड़ी सी वह झाड़ियां च फस गई। मैं बोल मारी जांदा सीगा अपने भाई नूं कि बई तू आके मेरी मदद कर, हुण सोच के देखो तुसीं बैठे हुए भजन ते अभ्यास ते मन सानू 40-40, 100-100 मील लिजा के झाड़ियां दे विच फसाई बैठा होवे, उठ के असीं घड़ी देख लेनी है कि घंटा हो गया। सोच के देख लो ये भी कदे लेखा जोखा कीता है भी एक घंटे च किन्ने मिनट साडा मन टिकिया, किन्ने मिनट बाहर गया, किन्ने मिनट असीं दुनिया नूं सोचिया, किन्ने मिनट असीं हाजिर रहे सीगे। इस वास्ते आप प्यार दे नाल समझाउंदे आ कि तुसीं जरा सोच के देखो अभ्यास दे वक्त भी असीं की करदे हैं। सो महात्मा प्यार दे नाल समझाउंदे आ कि असीं दिल दी अख खोल के देखो परमात्मा ने तुहाडे अंदर किस तरह नज़ारे रखे है। जिस तरह अज अंदर वड़ना औखा होया पिया है सानू, बाहरली दुनिया अच्छी लगती है, जब एक बारी अंदर जा वड़दे हैं उदो सानू बाहरली दुनिया जिहड़ी है वह अच्छी नहीं लगती गी, लेकिन असीं इहनू छड्डण वास्ते भी नहीं कहिंदे हुंदे गे। आप कहिंदे जिन्ना चिर परमात्मा ने हुक्म दिता है यह दुनिया च रहो, लेकिन इहनू अपनी ना समझो जी। चश्म दिल से देख या जो जो तुमाशे हो रहे, दिल से ता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। एक दिल लाखों तमन्ना उस पे और ज्यादा हफ्ज, फिर ठिकाना है कहाँ उसके टिकाने के लिए। हुण आप प्यार ना समझाउंदे आ मन साडा एक है, चाहे गुरु दा सिमरन कराओ चाहे उस वक्त तुसी दुनिया दे ख्याल उठाओ, एको ही कम हो सकदा है, दो नहीं हो सकदे गे। इस वास्ते आप कहिंदे तुहाडा दिल तां एक है, मन एक है, और इहनू तमन्ना दे नाल दुनिया दे ख्यालां दे नाल भरी बैठे हैं। आप कहने लगे है कोई टिकाणा, साडी तां उह हालत है जिवें आम तौर उत्ते महाराज सावण सिंह सत्संग दे विच मिसाल दिंदे हुंदे सी कि सुथरे दी, क्योंकि सुथरा बड़ा ला तड़क फकीर कमाई वाला होया है। उन्हें कई ऐसियां उदाहरणां पेश कीतियां सन कि जिहड़ियां आम तौर दे उत्ते साडे लोकां दे दरम्यान हुंदियां रहिंदियां है। किसे नूं पुछिया कि मकान मजबूत किवें हुंदा है, वह कहण लगे थम लाए जाण। वह एक साइड तो थम लाउण लग्या, सारा मकान भर दिता, बारिश होई, किसे ने पुछिया बाहर भिज रहा सीगा क्यों बई अंदर नहीं जाता तू, वह कहिंदा अंदर अगर जगह हुंदी एक थम होर ना ला दिंदा। उहदा समझाउण दा मतलब सीगा कि क्यों बई तुसी दुनियादार अंदर किस तरह जाओ, अंदर तां तुसी दुनिया भरी बैठे हो, सब तो पहला अपने दिल दिमाग नूं खाली करो। इस वास्ते आप कहिंदे उस पर ज्यादा हफस, असीं तां इह सोचदे आ बैठे भी हालांकि कोई चिंता नहीं हुंदी कोई फिक्र नहीं हुंदा गा, साडे जद ग्रुप आउंदा है बाहरों अमरीका चो या होर किसी मुल्क चो, मैं सब नूं इह कहना हुंदा कि देखो बई तुसी 10 दिन वास्ते आए हो, तुसी कम अपना अपने देश जाके कर सकते हो, इत्थे बैठे कोई कम नहीं कर सकोगे। हुण तुसी मन नूं जवाब दिओ दसां दिनां च तुहाडा कुछ बणे। जो आदमी उस गल नूं पकड़ लैंदा है अमल करदा है वह अच्छा तजर्बा दस के जांदा है कि मैं कामयाब हां, वह सारी जिंदगी नहीं डोलदा गा
क्योंकि संत कुछ देण वास्ते आउंदे आ, वो सिर्फ सानू अखां बंद करके बिठाउण वास्ते नहीं आउंदे गे। महात्मा ये नहीं कहिंदे गे कि तुसीं सारी जिंदगी कोहलू दे बैल दी तुरे फिरो। उन्हां दा मतलब ये नहीं हुंदा कि सारी जिंदगी गोडे अकड़ाउंदे फिरो। वो कहिंदे आओ साडी दसी हुई जुगती मुताबक तुसीं थोड़े दिन अभ्यास करके देखो। लेकिन असीं की करदे हां, तवज्जो दे के उस अभ्यास नूं नहीं करदे गे, बैठे भी भजन ते दुनिया नूं सोची जांदे। फिर कहने हैं कि जी मन नहीं खड़ता, क्यों नहीं बे खड़ता गा? इस वास्ते आप प्यार ना समझाते हैं कि सानू दुनिया जिहड़ी है वो बहार के बाहर कढ़ देनी चाहिए है। जी एक दिल लाखों तमन्ना उस पे और ज्यादा हवस, फिर ठिकाना कहाँ उसके ठिकाने के लिए। नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है, कुदरती मस्जिद का साकिन दुख उठाने के लिए। सेक तकी हज करके वापस आया सीगा, उसने अपना तंबू तुलसी साहब दे सत्संग दे अगे लाया सीगा। उत्थे तुलसी साहब दी बात सेक तकी दे नाल होई सीगी। उन्हूं बड़े प्यार नाल सेक तकी नूं समझा रहे है कि किस तरह भाई परमात्मा नूं मिलना है। हुण उसनू दसदे है कि भई अफसोस ना कहना पैंदा है, जो नकली मंदिर क्या असी अपने हथ पैरां दे नाल बनाए है उत्थे तां असी दिन रात जाने हैं, जो कुदरत भगवान ने मंदिर बनाया है तुसी इहदे अंदर जरा ठहर के देखो, तुहाडे जन्मां जन्मांतरां दे पाप है जिहड़े उह खत्म हो जाणगे, तुहाडा जम्मण मरण कट्टिया जाएगा। जी नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है, कुदरती मस्जिद का साकिन दुख उठाने के लिए। कुदरती काबे की तू मेहराब में सुन गौर से, आ रही तुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। हुण तुलसी साहब कहंदे आ ऐ सेक तकी तूं अंदर मत्थे दे जो आवाज आ रही है, क्योंकि मुसलमाना दी मस्जिद जो पिछला हिस्सा जिथे मौलवी बांग दिंदा हुंदा है वह साडे मत्थे दी शकल दे उत्ते बनी हुई है। आप कहण लगे तेरा भी हक बनदा है, तू फैले हुए ख्याल नूं सिमरन दे जरिए इत्थे लिया तीसरे तिल ते अपने मत्थे च पहुंच, तैनूं पता लगेगा कि किस तरह उपरों आवाज इत्थे सेंटर दे विच आ रही है। वह जम्मण मर नूं कट दिंदी है। गुरु नानक साहब भी कहिंदे तुरकी बाणी आई तिन सगली चिंत मटाई, वो तुरदरगाह तो बाणी उठ रही है, जब सुनोगे थोड़िया सारिया मैलां चिंता खत्म कर देनगियां। क्योंकि महात्मा सानू दसदे है कि वो परमात्मा एक समुंदर है, शब्द उसकी लहर है, आत्मा बूंद है। समुंदर भी पानी है, लहर भी पानी है, बूंद भी पानी है, फर्क विछोड़े का है। आत्मा जद भी जाएगी परमात्मा दे पास शब्द ते असवार होके जाएगी। इस वास्ते आप कहन लगे ऐ सेक तकी तू बाहर ना भटकदा फिर, तू की कर, तू इस मत्थे दे विच आके तां देख इस महराब दे अंदर, ओ परमात्मा जो तू बाहर बांग दे रहा है ओ तां तेरे अंदर बांग आ रही है। जद गुरु नानक साहब मक्के दे अंदर गए उत्थे काजी रुकनदीन दे नाल काफी सवाल जवाब होए जो उन्हां दी जन्म साखी दे विच आउंदे है, उत्थे उन्होंने पूछा सीगा कि वो तेरा जिहड़ा
महल है खुदा दे रहन वाला, वो किहो जा महल है, उदे किन्ने किंगरे है, किन्ने बुरज है। वो कहन लगे वो इंसानी जामा ही है, ये वो महल है, इस दे 32 किंगरे है। आप कहन लगे कि 10 साढ़े हथां दे नौ है, 10 पैरां दे है, 32 साढ़े दंद है। कहन लगे यह 52 किंगरे हैं, ते नेसबां दे जोड़ है, ते नेस दे है, 6 साड़ियां लत्तां दे जोड़ है, ये 12 बुरज हैं। कहिंदे उच्चे खासे महल दे देवे बांग खुदाए, सुते बांग ना सुन सके रहा खुदा जुगाए। ये सारे महल दे उपर, इस जगह वो परमात्मा दी बांग आ रही है, लेकिन असी सुते पए हैं, उस बांग नू सुन नहीं रहे। सुती पई ना भाग, सब सुने ना बांगा कोए, जो जागे सोई सुने साई संधि सोए। आप कहन लगे सब असी किदे भाग लिया, उस बांग नू सुनिए, असी सारे सुते पए हैं, वो परमात्मा साडे अंदर बांग दे रहा है। फरीद साहब भी कहिंदे है, उठ फरीदा सुबह नवाज गजार, तू सुता रब जागदा, तेरा गाढ़े क्या प्यार। आप कहन लगे वो परमात्मा का जागदा है, तेरे अंदर बांग दे रहा है, तू सुता पिया है। दावा करदा कि मेरा खुदा ना प्यार है, मैं ही खुदा नू पूजदा हाँ। इस वास्ते आप कहन लगे ये दावा तुहाडा जिहड़ा है, फरीद साहब कहिंदे गलत है। यही तुलसी साहब सेख तकी नू कहिंदे है, कह सेख तकी तू सारे ख्याल बाहरों ही छड के, तू अंदर उत्थे मत्थे दे विच पहुंच के सुन, वो बांग आ रही है जी। कुदरती काबे की तू मेहराब में सुन गौर से, आ रही तुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। क्यों भटकता फिर रहा तू, ऐ तलाशे यार में, रास्ता शारग में है, दिल बर पे जाने के लिए। हुण आप कहन लगे ए सेख तकी बाहर तू भटकदा फिरदा है, बाहर तेरी तलाश जिहड़ी है वह बेकार है। मुसलमान दी किताबां दे अंदर उस नूं शाहरग लिखिया है, साडे हिंदू शास्त्रां दे अंदर गुरु नानक देव जी महाराज ने उस नूं सुखमना नाड़ी करके लिखिया है। आप कहन लगे तू उस रस्ते ते जा, वो रस्ता परमात्मा दे पास जांदा है, बाहर भटकण दी लोड़ नहीं, अपने ख्याल नूं अंदर शब्द नाम दे नाल जोड़ जी। क्यों भटकता फिर रहा तू, ऐ तलाशे यार में, रास्ता शारग में है, दिल बर पे जाने के लिए। मुर्शिद कामल से मिल, सिद्क और सबूरी से तकी, जो तुझे देगा फहम शारग के पाने के लिए। हुण आप सेख तकी नूं कहिंदे है, देख बई अगर जे तू कामयाब होना है, परमात्मा नूं पाउणा है, सब तो पहला पूरे गुरु कोले जा। गुरु कोले जाके की कर, दो चीजां दी लोड़ है, सिदक और सबूरी। भरोसा होना जरूरी है, पहला पहला भरोसा जिहड़ा है सानूं बाहर करना पैंदा है। जद अंदर असी भरोसा रख के जाने हैं, अंदरला जो मार्ग है वह किताब की तरह खुल जाता है, अंदर जाके ही सच्चा प्यार, सच्ची तड़फ, सच्ची इज्जत महात्मा की आती है। जो असी देखते हैं कि केड़ियां केड़ियां शक्तियां साडे गुरमुखां दे अगे नमस्कार कर दियां हन, किन्ना इहदी उपरले मंडलां दे विच मानता है, फिर ही पता लगता है। क्योंकि एक जज सानू पता ही है, बाहर एक साधारण आदमी हुंदा है, जद असी उसनू कुर्सी दे उत्ते देखते हैं, सारे उहदे अगे जाके नमस्कारां करदे हन, फिर पता लगता है कि जज है, मुनसिब है,
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਦੋਸਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਚਲੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਜਾ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸੇਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ, ਗਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਇਹ ਜਦ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ। ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਬਣੀ ਪ੍ਰਾਲਬਤ ਪਿੱਛੇ ਬਣਿਆ ਸਰੀਰ, ਤੁਲਸੀ ਦਾਸਾ ਖੇਲ ਅਚਰਜ ਹੈ ਪਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਧੀਰ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਲਬਤ ਬਣ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਭੋਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਘਟਨਾ ਵਕਤ ਸਿਰ ਆ ਕੇ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਐਡੀ ਕਰੜੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਦਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਰੋਸਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦੇਖ ਬਈ ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੀ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਲਬਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਖੇਤ ਸਰੀਰ ਜੋ ਬੀਜਿਆ ਸੋ ਅੰਤ ਖਲੋਇਆ ਆਏ। ਜੋ ਕੁਛ ਭਾਈ ਬੀਜ ਪਾਇਆ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ, ਮਿਰਚਾਂ ਬੀਜੀਆਂ, ਮਿਰਚਾਂ ਵੀ ਕੱਟਣੀਆਂ ਹੈ, ਕਮਾਦ ਬੀਜਿਆ, ਇੱਖ ਬੀਜਿਆ, ਇੱਖ ਵੀ ਕੱਟਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਪੌਦਾ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਇੱਖ ਦਾ ਕੱਟ ਲਈਏ। ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਜੀ ਲੋਚਦਾ ਅੰਬ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਬੀਜੇ ਬੀਜ ਕਰੀਰਾਂ ਦੇ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੋੜੇ ਦਾਖ ਬਜੇਵਰੀਆਂ, ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੇ ਜੱਟ, ਹੰਦਾ ਹੰਡਾ ਉਨ ਕਤਾਏ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਲੋੜੇ ਪੱਟ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸੇ ਫਿਰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦ ਜੀਵ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਵੇ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਸਭ ਭਰਮ ਨਸਾਵੇ, ਜੋ ਮਾਰਗ ਗੁਰੂ ਦੇਹ ਬਤਾਈ, ਸੋਈ ਕਰਮ ਧਰਮ ਹੋਆ ਪਾਈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਕੁਛ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਠੱਪ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਸਤਾ ਗੁਰੂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉਹ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਕ ਛਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਫਿਰਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਔਰਤ ਦੇ 32 ਖਸਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਸਤਾ ਗੁਰੂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਦਕ ਔਰ ਸਬੂਰੀ ਨਾਲ ਭੋਗ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, 100 ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, 1000 ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਭਜਨ ਵਿਆਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਦਿਓ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਦੇ ਲਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਅੰਨ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਭਜਨ ਵਿਆਸ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਵੀ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਤਰਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖੀ ਹੈ, ਕਲਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਭੁੱਖ ਕਨੀ ਕਦੇ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੂਰੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਸਿਦਕ ਔਰ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੇ ਚੱਲੋ। ਜੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਾਮਲ ਸੇ ਮਿਲ, ਸਿਦਕ ਔਰ ਸਬੂਰੀ ਸੇ ਤਕੀ, ਜੋ ਤੁਝੇ ਦੇਗਾ ਫਹਿਮ, ਸ਼ਾਰਗ ਕੇ ਪਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ, ਗੋਸ਼ੇ ਬਾਤਨ ਹੋ ਕੁਸ਼ਾਦਾ, ਜੋ ਕਰੇ ਕੁਛ ਦਿਨ ਅਮਲ, ਲਾ ਇਲਾਹ ਅੱਲਾਹ, ਅਕਬਰ ਪਹਿਜਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਸਤਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ? ਅਭਿਆਸ ਕਰ, ਵਕਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਚੋਂ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰ। ਮੇਰੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਰਫ ਖੋਲੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੇਖ ਬਈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਨਾ ਆਈ, ਮੈਂ ਜਾਊਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਭਜਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬਚਨ ਦਾ ਸੂਰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਗਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ
जी उन्होंने साथों तक पूछया ही नहीं, दसो गुरु किसी तो परमिट लवे भी मैं फलाने का उधार करना है। असी जीव तो इस किस्म के हैं, जिस तरह किसी जट ने कमाई की उस दे उत्ते परमात्मा खुश हो गया, उसनू एक संख दे दिता भी किसी चीज की इच्छा होवे तो इहनू बजा लिया करी तेनू मिल जाएगा, पर जरा ध्यान रखी तेरे गुआंढी दे तू दुगना जाया करेगा। हुण जट इस औकड़ दे विच फसिया भी गुआंढी दे दुगना जाएगा, बस इहदू तां भुखा मरना ही चंगा है, भगती मैं कीती गुआंढी मौज करे। परमात्मा ने सोचा कि देखा तो सी इहदे अंदर किन्ना हौसला है, किन्नी की हीरखा है, उन्हें हर किस्म का उसते कष्ट भुख दिखा दी। अखीर वह भुखा मरदा घरों निकल गया। घरवाली अच्छी सी बीवी, क्योंकि आपो अपना सुभा हुंदा है, उन्हें सोचा जे गमांडी खान गए तो अच्छी गल है, लोग कहेंगे भी इन्हों का जो गमांड है अच्छा है, रज्या पुज्या है। उसने परमात्मा अगे बेनती की कि मैं भी उसकी अरदंगी हैं, तू दया कर मेहर कर करे दे सब कुछ। हुण परमात्मा ने आवाज सुनी, उन्हां दे घरे अन्न पदार्थ काफ़ी हो गया। लोग कहन लगे देख बई उहदी किस्मत दे विच नहीं सी, उदों भुखे मरदे सी, चलिया गया तो वेख परमात्मा ने किवें अन्न धन दिता है। बाहर किसी ने उन्हें सूचना दी भी तेरे तो घर दे बड़ियां मौजां करदे है, उन्हें कहा भी ओहो ये तो घरवाली ने गलती कर ली, भज्जिया आया आके कहन लग्या हे परमात्मा मैं भगती की है, इन्हें नहीं की, मेरे बार दे विच खूह लग जाए। हुण गुआंढी दे दुगना आना सी, उन्हां दे दो लग गए, फिर कहन लग्या मेरी एक अख फुट जाए, वो गुआंढियां दीआं दोए दोए फुट गईआं। एक हालत साडी है हीरखा दे मारियां दी। हुण असीं कहिंदे आ गुरु साथों परमिट लए, अगर साथों परमिट वो कटावे कि असीं तां किसी नूं रोटी खांदे नूं चंगा नहीं समझदे गे, इस वास्ते जिहड़ा गुरु कहिंदा है वह करके देखो। जद परम पिता कृपाल ने हजारों आदमियों के अंदर बैठ के कहा कि भई तैनू अमरीकन लोग हवाई जहाजा से सैर कराउणगे, तेरे विचों महक आएगी, वह समुद्र टप जाएगी, उदों तां कोई इतवार ही नहीं करदा सी, सारे ये कहिंदे सीगे जी ये संत नूं खुश कर रहे, कदे बंदिआं चों वी महक आई है। मैं अमरीका च गया, उत्थे पुछया क्यों भी मैनू कोई इसने वेख्या सी, मैं दिल्ली च आया मैं पुछया क्यों भी मैनू कोई जानदा, कहे नहीं। मैं कनेडा च गया, मैं उत्थे भी लोगों नूं कहा क्यों भाई किसी ने अजायब देखा है तां बाह खड़ी करे, सब चुप, क्योंकि मैं तां सारी जिंदगी जमीन दे अंदर बैठ के अभ्यास करदा रहा जो मेरे गुरु ने मैनू दस्या सीगा। ये उस परम पिता कृपाल का वाक सी कि तेरे चो महक आएगी। इसे वास्ते मैं कहना हुन्ना है कि जीवे कृपाल सोहना सतगुर जिन्हें बूटी लाई हू, जिसने वह बूटी लाई है वह ज्यौदा रवे। अंदर बूटी मुश्क मचाया जद फुलण ते आई, जद बूटी जिहड़ी गुरु लाउंदा है जद फुलां ते आउंदी है वह महक उठती है। इस वास्ते आप कहन लगे फिर कुछ दिन बैठ के अभ्यास करो, उस वक्त नूं खराब ना करो, तुहानूं पता लगेगा कि गुरु कुछ देण वास्ते आया है। महाराज ने कहा सीगा भई देने वाले का की रौला है, मैं कदे लको नहीं रखिया, मैं कहना ना मैनू मेरे गुरु ने देण वास्ते लाया, भाई जितने भी आउंदे आ मैं सब नूं कहना भाई झोलियां भर के लै जाओ, मैनू सोम नहीं बनाया। सवाल लैण वाले का किहड़ा दिल लईए भाई, जो कुछ तुलसी साहब कहिंदा है इस तरह करना पएगा। इस वास्ते आप प्यार ना कहिंदे है गोशे बातन करो कुछ दिन अमल, कहन लगे कुछ दिन करो तुहाडा रस्ता अपने आप ही खुल जाएगा, तुहाडा मुरशद उस अल्लाह परमात्मा दे के तुहानू खड़ा कर देवेगा जी। गोशे बातन हो कुशादा, जो करे कुछ दिन अमल, ला इलाह अल्लाह अकबर पहचाने के लिए, ये सदा तुलसी की है आमिल अमल कर
दे उन कुरान में है लिखा अल्लाहु अकबर के लिए। तुलसी साहब कहते हैं मैं खुद इस ते अमल कीता है, मेरे अंदर आवाज प्रगट है, थोड़े भी धर्म ग्रंथ के अंदर ऐसे तकी लिखा है कि वो कुन उन्होंने कुन करके उसनु बयान किया है। गुरु नानक उस ताकत नु शब्द ना करके बयान करते हैं, लफ्जा का ही फर्क है। वो कहन लगे मेरा खुद का अमल है, मैं खुद कमाई की अभ्यास किया, अंदर गया है, मेरे अंदर वो परमात्मा प्रगट है। मैं तेन सुनिया सुनाइया गल्ला नहीं दसदा गा, जो कुछ मैं कहना है इसनु तू भी अमल दे विच लिया कामयाब हो जाएगा। यह हज है, सेख तकी नु कहन लगे कि पैरां दे तलियां तो शुरू होकर सिर दी चोटी ते जाके यह मुकम्मल हो जाता है। इस दियां दो मंजिलां है, एक अखां तक है, एक अखां तो उपर है। तो इस वास्ते बाहरों ख्याल नु कढ़ के ऐ सेख तकी तू अंदर आ, वो परमात्मा कल्ले सऊदी अरब दे विच नहीं बैठा, उत्थे मसीते नहीं बैठा गा, वो तो सारयां दे अंदर बैठा है। जदों परमात्मा अंदर है तो अंदरों भी मिल सकता है। इस वास्ते उन्होंने तुलसी साहब ने बड़े प्यार नाल समझाया सानू भी चाहिदा है। तुलसी साहब दे कहण दे मुताबिक अंदर जाइए, अपने जीवन नू सफल बनाइए। ये सदा तुलसी की है आमले अमल कर ध्यान दे उन कुरान में है लिखा अल्लाहु अकबर।